Hey guys, what's up and welcome back to your channel. I hope you guys like the previous vlog. तो भाई कल वाले vlog में तो हमने बहुत सारे मजे किए, हमने गाड़ी वाड़ी की सर्विस कराई, बहुत सारे काम किए. Today is Zoku का opening, जो तुम लोगों ने last में hamper देखा था ना, वो Zoku से आया था एंड Zoku की opening है आज. तो हमें वहाँ जाना है एंड टुडे इज़ अ बिग डे, बहुत सारे काम हैं, दो दिन में निकलना है बिकॉज. एंड एक तो मैं ये बालों का सोच रहा था कि कल कटवाऊँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ आज ही करवा लूँ बिकॉज Zoku जाना है एंड वहाँ पर मतलब शूट वगैरह होगा, तो वह सब चीज़ें मैं थोड़ा सा शक्ल थोड़ा सही कर लूँ, मैं ऐसे जाहिल बन के नहीं जा सकता. ठीक है, तो वहाँ चले जाते हैं. अभी मेरे को जाना है कैफ़े, सबसे पहले रेडी होके बिकॉज कैफ़े पे आ रहे हैं Zomato वाले, Zomato वालों के साथ मीटिंग है, बहुत दिनों से पेंडिंग थी, आज निपटा लेते हैं उस चीज़ को फटाफट जाने से पहले. तो मैं निकल रहा हूँ फटाफट से ये रेडी होके और तुमसे मिलता हूँ बस बाल बना के, मतलब ठीक है बाल बाल बना के ऑल सेट. एंड पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे. ये क्यूट सा स्वेटर पहन के, एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी, लीस्ट बॉदर्ड कुछ को. शायद ये थोड़ा सा उदास है बिकॉज इन लोगों का पता चल जाता है कि हम लोग आ गए. क्या हुआ था, क्यों भाव नहीं दे रही थी मेरे को, अब आया ना लाइन पे. इन लोग को क्या पता चल जाता है एक्चुअल में कि मतलब हम लोग कहीं जाने वाले हैं ऐसा कुछ, तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा, अभी लगा पहली बारी मतलब इतने दिन में कि थोड़ा सा लो है. एनीवेज अभी मैं निकलता हूँ कैफे के लिए बिकॉज Zomato के साथ मीटिंग है. आईपैड ले लूँ, चार्जर ले लूँ, सब कुछ ले लूँ एंड भाई पागल हो रहा हूँ मैं. कोई बड़ी बात नहीं, ये डेली व्लॉगिंग जब तक चलती रहे तब तक मैं पूरे तरीके से मेरा फ्यूज उड़ जाए, है ना, हो सकता है ना, ऐसा डाउट है ना, पोटेंशियल रिस्क है ना. छोड़ो, चलो चलते हैं बिकॉज एक हाथ से लैपटॉप उठाया हुआ है, एक हाथ से कुछ. बाहर निकलो ना, आप कमरे में क्यों बैठे हो. चलो भाई गाड़ी में बैठ के मिलता हूँ. अभी अभी मेरे को फ़ोन आया वो जो टेलर से जहाँ पे हम लोगों ने अपना सूट दिया था ना वापस से सही होने के लिए, वो भी रेडी हो गया है तो वो भी पिक करना है. एंड पहले तो मैं कैफे जाऊँगा, कैफे पे Zomato वाला वेट कर रहा है शायद. धूप बहुत सडनली धूप हो गया आज, विजिबिलिटी भी सही है, स्ट्रेंज वियर्ड वेदर. तो भाई पहुंच चुके हैं कैफे एंड भाई आज का वेदर इतना सही है, ऑलमोस्ट 4-4.5 किलोमीटर विजिबिलिटी है, इतने दिन में इतनी हुई नहीं. एंड टेम्परेचर भी 26 है, मतलब 26 इतना ज़्यादा है कि गाड़ी में मेरे को गर्मी लग रही थी, आज मैंने AC चलाया. ये क्या होगा, मेरे को लगा अलॉय में कुछ दिक्कत आई. ठीक है, एनीवेज मैं कितनी गंदी गाड़ी साफ़ करी है यार, आज गाड़ी साफ़ करने वाले यार. मैं ऊपर चल के तुम लोगों से बात करता हूँ, नहीं तो ऐसा सामान गिरता ही रहेगा. अपनी कॉफी रेडी हो चुकी है, ये मैंने बनाई है हेजलनट लाटे विद व्हिप क्रीम. ठीक है, एंड हेजलनट थोड़ा सा ऐड ऑन एक्स्ट्रा किया मैंने, मेरे को हेजलनट और चेस्टनट बहुत अच्छा लगता है. एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर द Zomato वाला, मतलब नॉट द Zomato राइडर, द Zomato मीटिंग वाला गाय है ना. एंड रात में वो Zoku का है तो उस चक्कर में भी कॉल्स एंड कॉल्स आ रहे हैं. ठीक है, देखते हैं, बहुत सारे काम है पहले. हाँ, 1:30 बज गए, 2 बजे वो वाला व्लॉग भी पब्लिक करना है, कल वाला जो तुम लोगों ने इससे एक दिन पहले देखा था. एंड उससे याद आया मेरे को सैंडी से अपॉइंटमेंट लेनी है, अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले लेता हूँ. भाई लग तो अच्छा रहूँगा यार मैं ऐसे, है ना, इट्स लाइक 2
PM and I'm still waiting for the किसी का मैसेज आया हाँ इंस्टा पर तो एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द जोमैटो गाय बिकॉज अभी तक वो आया नहीं है एंड भाई मेरे इतने सारे काम लाइंड अप है एंड ऑल्सो अभी मैं सोच रहा था कि भाई आज पता नहीं मेरा ना कैमरा यहाँ रखा हुआ था तो कैमरा देख के मैं बड़ी देर से ललचा रहा था तो मैंने सोचा मैंने कहा आज जोकू जा रहे हैं तो है ना मैंने कहा आज जोकू जा रहे हैं तो एक ज़रा वापस से थोड़ा शूट वूट वाले मोड में आ जाए अच्छे तरीके से मतलब लाइक लास्ट मैंने इससे कोई प्रॉपर शूट किया था दैट वाज अराउंड 1-1.5 ईयर्स अगो तो एक्चुअल में क्या एडिटिंग में बहुत दिमाग लग जाता है तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कर डालते हैं लाइक नया रेस्टोरेंट है और एकदम फर्स्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर तो मैंने बैटरीज वगैरह चार्ज पर लगा दी हैं तो मैंने सोचा यार आज भाई खुद शूट करेगा बहुत टाइम के बाद कैमरा से माइक से मतलब आज तो एक तरफा सीन कर देंगे मतलब डिफरेंट ऑल टुगेदर क्या कहते हो बट पहले जोमेटो वाला आया नहीं तो आई विल जस्ट कॉल हिम एंड मैं इसको मना कर दूंगा कि अब भाई मत आना लेजिट बहुत हो गया जेन्युइनली ठीक है उसके बाद ये भाई फ्लाइंग क्लब से कॉल आया अभी बिकॉज वेदर बहुत सही था तो एक सीएल करके आ जाते हैं फटाफट से तो भाई अभी मैं जस्ट जोमेटो वाली मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद मैं निकलने वाला था बट फ्लाइंग क्लब से कॉल आ गया तो मैं ज़रा फ्लाइंग क्लब होके आ रहा हूँ ठीक है पहले घर जाऊँ बिकॉज मेरे लाइसेंसेस घर पे हैं तो पूरा लाइसेंस वाला वो फोल्डर एवरी टाइम यू आर फ्लाइंग वी हैव टू हैव आर लाइसेंसेस ठीक है तो मेरा वो लाइसेंसेस वाला बैग जस्ट घर से पिक करके मैं फ्लाइंग क्लब आता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी मैं हूँ ब्लॉग ज़्यादा नहीं करूँगा तो भाई मैंने अपने लाइसेंसेस वगैरह ले लिए वॉच ले ली सब कुछ ले लिया बिकॉज हम लोग को डुअल वॉच पहननी होती है बस फटाफट से फ्लाइंग क्लब पहुंच जाते हैं शूज़ भी चेंज कर लिया मैंने बिकॉज वो शूज़ से आ रहा है वो वाले शूज़ रखने भी हैं बिकॉज मैंने जो शूज़ पहन रखे थे ना वो स्नीकर्स थे दे आर नॉट ओके थोड़ा सा फ्लैट सोल चाहिए रहता है ज़रा शूज़ लेके आता हूँ ऊपर से चाली पापा का पता कितना फ्यूल तो भाई कुछ सीन ही नहीं बन पाया आ तो गया था मैं बट एक्चुअली जैसे ही मैं आया विजिबिलिटी ड्रॉप होगी मतलब तुम देख रहे होगे इधर पीछे कुछ दिख नहीं रहा है सुबह इतनी प्यारी विजिबिलिटी भी मैंने तुम लोगों को बताया भी था एंड अभी विजिबिलिटी फिर से ड्रॉप होगी तो कोई मतलब नहीं है एंड अब सर ने बोला कि दो चार दिन बाद जब वापस आओगे दिल्ली से तो फिर उसके बाद ही है ना बिकॉज क्या फिर वो ब्रेक हो जाएगा वापस से तो वी आर गोइंग टू द कैफ़े नाउ एंड कैफ़े से फिर हम अपने शूट वूट पे चलते हैं जहाँ भी जाना था पहले यार वो सूट पिक करना है शूट से याद आया वो सूट पिक करके आता हूँ मैं ज़रा है ना तो मैं कैफे जाऊँगी शूज़ बदलने पड़ेंगे बस देखते हैं चलो भाई मैं कैफ़े पे आके बैठा यहाँ पे अलग काम चल रहे थे बहुत सारे और अभी जोमेटो वोमेटो वाली मीटिंग हुई बीच में फ्लाइंग क्लब होके आया अब वो सूट पिक करने जाना है एंड कल वाला व्लॉग भी अपलोड कर दिया था लाइव करना ही भूल गया मैं सोच पहुँच में तो मैंने अभी लाइव किया उसको एंड अभी बस हम जा रहे हैं थोड़ी देर में सूट पिक करने एंड फिर जोकू जाते हैं मेरे को लग नहीं रहा मैं आज दाढ़ी और बाल सेट करवा पाऊँगा आई डाउट लेट्स सी चलो भाई यहाँ का तो बहुत हो गया अब मैं निकल रहा हूँ पहले सूट वूट का काम करता हूँ फिर उसके बाद हेयर कट करा के मेरा पारा बहुत हाई हो रखा है मतलब बहुत गंदे वाला गुस्सा आया हुआ है मेरे को भी बस मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ
बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा कभी कभार हो जाता है दिन भर में, बट ठीक है कोई नहीं। फटाफट से सूट का काम कर लिया, बुरे हाल हो रखे हैं मेरे, सुबह से भाग दौड़ में पागल हो गया हूँ मैं। अभी डीबी जाना है, शूज़ पिक करने हैं, बाल कटवाने हैं। भाई सही में मैं बहुत ज़्यादा बस दीवारों में घूसे नहीं मार रहा मैं आज। सबके बीच फ्लाइंग क्लब भी होके आ गया, अरे पार्किंग वाला कहाँ है, पैसे देने उसको। टीवी पहुंच चुके हैं, हेयर कट करा के शूज पिक करके फिर जावेद भाई से कपड़े लूंगा, पहले मैं हेयर कट करा लूंगा, अपॉइंटमेंट की बहुत टेंशन हो रही है।